बागपत के महिला थाना के पास एक अज्ञात युवक का शव संदिग्ध अवस्था में ग्राउंड में पड़ा मिला। हालांकि युवक के शव के साथ उसका सिर नहीं मिला है। वहीं इस घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले में जांच शुरू कर दी। गोरखपुर पुलिस ने छात्र नवनीत की मौत के मामले में आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने टीचर की गिरफ्तारी छात्र के सुसाइड नोट के आधार पर की है। दरअसल छात्र ने टीचर द्वारा प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। जानकारी के मुताबिक आरोपी टीचर गर्भवती बताई जा रही है। बिजनौर में अपने पति को प्रेमिका के साथ देखकर भड़की पत्नी ने बीच सड़क पर चप्पलों से पति की धुनाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस दोनों पक्षों को पकड़कर अपने साथ थाने ले गई। मिर्जापुर के देहात कोतवाली थाना क्षेत्र भोटसर में राष्ट्रीय राजमार्ग 7 पर सड़क के किनारे झोपड़ी में लटका एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। ग्रामीणों ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। सूचना मिली थी कि ये भोड़सर में मरहम देवपाटी मरहम लटकी हुई है। उसके बाद जब देखा गया तो उनके पॉकेट में आधार कार्ड मिला, जिसमें भरत लाल मौर्य ग्राम पंचायत नकहरा फिर महुआ के रहने वाले हैं। उनके घर सूचना दी गई कि बेटे आ गए तो पहचान। मुजफ्फरनगर के खतौली कोतवाली क्षेत्र में एक युवक के घर में घुसकर लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। हत्या को अंजाम देने के बाद तीनों बदमाश फरार हो गए हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। बाकी खबरों के लिए लॉगिन कीजिए up.punjabkesari.in पर और लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज पंजाब केसरी यूपी।